हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सेन्स नेस्ट। मैं रूबी सेन। मकर संक्रांति के दिन मैंने क्या क्या बनाया वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय चैनल। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है। और शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100। ये है चितोई पिठा और उसके साथ बेबी पोटैटो की सब्जी, जिसे मैंने बिना प्याज लहसुन का बनाया है। और ये है पार्टी शाप्टा जो मम्मी ने बनाया है। और हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा, और ये बासमती राइस का चूड़ा है, बहुत ही यम्मी बना था विद खेजूर गुड़। पार्टी शाप्टा की रेसिपी मैं किसी और दिन आपसे शेयर करूंगी। आज मैं चितोई पिठा की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने 2 कप राइस लिया है और 1/2 कप आटा, और जिसे अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद उसमें वाटर ऐड करके उसका बैटर तैयार कर ले। और बैटर ना ज़्यादा पतला होगा और ना ज़्यादा थिक होगा। जैसे पैनकेक का बैटर तैयार करते हैं उसी तरह इसमें जितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार आप बैटर तैयार कर ले। और सॉल्ट ऐड करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसे ढक के 1 घंटे के लिए रख दे। चितोई पिठा बनाने का मोल्ड मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं अप्पे के मोल्ड में चितोई पिठा बनाऊंगी। इसलिए उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर ले। बैटर को मोल्ड में डालने के पहले उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और देख ले कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। उसके बाद उसे मोल्ड में पोर कर दे और उसे कवर करके कुक करे फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स लिड को ओपन करके चेक करे विद द हेल्प ऑफ नाइफ कि ये अंदर तक कुक हुआ है कि नहीं, और इसे टर्न कर दे। टर्न करने के बाद इसे कवर करके अनदर 2 मिनट्स तक कुक करे। चितोई पिठा हमारा तैयार हो गया है, अब इसे प्लेट में निकाल ले। इसी तरह बाकी बैटर से भी चितोई पिठा बना ले। बेबी पोटैटोज़ की सब्जी बनाने के लिए मैंने पोटैटोज़ को पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। करीब 200 ग्राम्स बेबी पोटैटोज़ है। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाले। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें 1.5 चम्मच जीरा ऐड करे। फिर उसमें 1 ड्राई रेड चिली ऐड करे। फिर उसमें थोड़ी सी हींग डालें। फिर सबको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स इट वेल। जैसे ही जीरा फ्राई हो जाए उसमें बेबी पोटैटोस को ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स करें। सॉल्ट ऐड करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। देन ऐड सम टर्मरिक पाउडर एंड सम कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और फिर सबको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स इट वेल और पोटैटोस को अच्छे से फ्राई करें और इसे कवर करके कुक करें फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स लिड को ओपन करें और इसमें ऐड करें चॉप्ड टमाटोस और इसे अच्छे से मिक्स करें और कवर करके कुक करें तब तक जब तक कि टोमेटोज़ अच्छे से टेंडर ना हो जाए। आफ्टर 5 मिनट्स टोमेटोज़ हमारा गल चुका है। अब इसमें ऐड करें मसाला। मैंने 1 बाउल में मसाला पहले ही घोल के रख दिया है। उसमें मैंने मिलाया है 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। उसे थोड़े से पानी में घोल के रखा है और उसे ही मैं इसमें ऐड करूँगी। मसाला को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम में अनदर 5 मिनट्स के लिए कवर करके कुक करें। और इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड करें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तब तक फ्राई करें जब तक मसाला पूरी तरह से भुन ना जाए और ऑयल रिलीज ना हो जाए। मसाला पूरी तरह से भुन चुका है, मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर दे रही हूँ पोटैटोज़ को।
अब इसमें वाटर ऐड करें, हमेशा हॉट वाटर ही ऐड करें, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना वाटर इसमें ऐड करें। वाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें ताकि सारा मसाला इन्फ्यूज़ हो जाए पोटैटोज के अंदर। अब इसे गार्निश करें कोरिएंडर लीव से। अब इसमें 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें पीठे के साथ। चितोई पीठा को गुड़ के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन आलू की सब्जी के साथ भी एक बार सर्व करके देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एट होम।